ना ओटीपी बताई ना लिंक पर क्लिक किया, फिर भी साइबर ठग ने एक युवक के बैंक खाते में जमा 65,000 रुपए की राशि उड़ा दी। पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत पुलिस थाने सहित एसपी ऑफिस पहुंचकर साइबर सेल में दर्ज कराई है। पीड़ित ने पुलिस से ठगे गए पैसे वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार अवधेश पुत्र जगदीश आदिवासी उम्र 25 साल निवासी ग्राम अटारई थाना इंदार ने बताया कि उसे पीएम जनमन आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था, जिसकी राशि 19 अप्रैल 2024 को उसके खाते में जमा हुई। राशि जमा होने के 5 मिनट बाद ही उसका फोन आया। 8101372036 नंबर से फोन आया। उसने मुझसे बोला कि तुम्हारे खाते में 75,000 रुपये आए हैं, मैं जैसे बताऊँ वैसे करते जाओ, और मेरे खाते में 3 बार में 65,000 रुपये निकल गए। पीड़ित देश की शिकायत इंदार थाना सहित सोमवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर साइबर सेल में दर्ज कराई है। आज एसपी साहब के पास आए थे, किस विषय में आवेदन देने आए थे? किस्त के बारे में आए थे, किस्त निकाली किसी ने कुछ भी। क्या हुआ, क्या है आपके साथ, कैसे क्या हुआ जी? फ्रॉड फोन नंबर आया था किसी का, कॉल फोन आया था तुम्हारे पास, कब आया था जी? 19 तारीख। क्या कहा उसने तुमसे? उसने ओटीपी मांगी, मगर ओटीपी मैंने दी नहीं। तुमने ओटीपी भी नहीं दी, उसके बाद ही पैसे निकल गए? उसके बाद ही पैसे। कितने बार में कितने रुपये निकाल लिए उसने? 6 बार में 65,000 रुपये निकाले तुम्हारे पास जी। तुम्हारे खाते में काय के पैसे आए थे? आवास योजना। कितने तारीख में आए थे तुम्हारे पैसे? 19 तारीख। 19 को पैसे आया, 19 को ही उसने फोन लगा के निकाल ली। मतलब 5 मिनट ही हुई थे आए पैसे और वापस फोन आ गया। 5 मिनट में ही उसने फोन आया, उसके बाद पैसे गायब हो गए। तो आपने बैंक में पता किया, क्या बोल रहे हैं बैंक वाले? बैंक वाले पता किया था, बैंक में से रुपया निकल गए। अच्छा, वो कह रहे हैं वो पैसे निकल गए। अभी आप एसपी ऑफिस आए हो, क्या कहा है, आप क्या आश्वासन दिया है आपको? अभी नहीं दिया। वहाँ से क्या आश्वासन मिला, उन्होंने क्या बोला आपसे? कार्रवाई करेंगे वो लोग। कार्रवाई करेंगे।